ओनली 7 to 8 hours गो फॉर सालार टीजर. फाइनली वो टाइम आने जा रहा है कल सुबह 5:12 पर सालार की जो मिस्ट्री है वो सॉल्व होने जा रही है. और इस टीजर से रिलेटेड दो एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो मुझे लगी मुझे आपसे जरूर शेयर करनी चाहिए, उसके बारे में बात होगी इस वीडियो में. वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है होमवाले फिल्म्स की तरफ से अभी थोड़ी देर पहले ही कह सकते हैं 2 घंटे पहले ही एक और अनाउंसमेंट आया है जिसमें दे हैव क्लियरली मेंशनड ऑन देयर सोशल मीडिया कि ये जो टीजर होगा ऑल्दो मूवी 5 languages में आ रही है लेकिन टीजर एक सिंगल लैंग्वेज में आएगा. अब जरा सोचो ये सिंगल लैंग्वेज कौन सी हो सकती है. ये अब तक हम सबको पता चल चुका है कि सिंगल लैंग्वेज में टीजर आने जा रहा है. सिंगल लैंग्वेज कौन सी हो सकती है सबको ये भी पता, सबने ये भी रिलेट करने की कोशिश की कि भाई KGF 2 का जैसे टीजर आया था उस सिंगल लैंग्वेज में. लेकिन मैंने अभी से थोड़ी देर पहले KGF 2 का टीजर ही उठाकर देखा और उसमें मुझे पता चल गया कि भाई सलार के टीजर में क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम. तो पहली चीज तो ये, जैसे KGF के टीजर में जो कि सिंगल लैंग्वेज टीजर था उसमें एक नरेटर इंग्लिश में कुछ वर्ड्स बोल रहे हैं, साथ साथ में विजुअल्स चल रहे हैं जिसमें रॉकी भाई की एंट्री है, उनकी माँ से किया हुआ उनका प्रॉमिस है या रवीना का कैरेक्टर है, वो सारे मेन जो प्लॉट कैरेक्टर्स हैं, संजय दत्त की एंट्री है, ये सब चीजें जो है ये हमको दिखाई जा रही है टीजर में. 2 मिनट समथिंग का टीजर है और साथ साथ में इंग्लिश में माइंड यू एक कमेंट्री चल रही है जिसमें नरेटर कुछ हमको नरेट कर रहे हैं और बिल्डअप बनाने की कोशिश कर रहे हैं अबाउट KGF Chapter 2. नाउ दिस इंटायर थिंग मेरे दिमाग में इसी को लेकर एक पिक्चर बनी सलार के टीजर के बारे में कि अब हो सकता है सलार का टीजर भी अगर इसी फॉर्मेट में आने जा रहा है, एक सिंगल टीजर लैंग्वेज में आने जा रहा है, तो वो ऐसी लैंग्वेज होगी जो हर इंसान को समझ में आए, विच इज इंग्लिश. और इंग्लिश में अगर कोई नरे और इसमें इसका मतलब इसमें भी कोई ना कोई नरेटर है जो हमको, अगर KGF का भी कनेक्शन है तो सलार और KGF रॉकी भाई को आपस में कनेक्ट कर देगा वो और एक भूमिका बना देगा, फोरग्राउंड क्रिएट हो जाएगी उसमें. और मेनली इट विल बी हैवी एक्शन पैक्ड सीक्वेंसेस जो हमको देखने को मिलेंगे जिसमें प्रभास की एंट्री, फाइनली प्रभास का लुक हमारे को देखने को मिलेगा और साथ में पृथ्वीराज सुकुमारन भी 100% जो है इस फिल्म में है क्योंकि उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अनाउंस कर दिया है. अब देखो यार रॉकी भाई अगर रॉकिंग स्टार यश भी हैं तो यार ऑब्वियसली वो अभी के टाइम पे इस वक्त पे तो वो चीज़ नहीं डालेंगे, लेकिन जरा टकटकी लगा के बैठना कल सुबह हो सकता है रॉकी भाई अपने अकाउंट से इस सलार का टीजर रिलीज कर रहे हैं साथ में बाकियों के साथ में. ऑब्वियसली इफ दैट हैपेंस ऑब्वियसली फिर तो क्लियर हो जाएगा कि रॉकिंग स्टार यश इज प्लेइंग अ वेरी पिविटल रोल इन सलार. ठीक है, ये कुछ चीज़ें ध्यान में रखने वाली. उसके बाद जैसे मैंने कहा कि इसके टीजर की जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को ऐसा रखा जाएगा, जैसे सिंगल लैंग्वेज की बात हो रही है तो सिंगल लैंग्वेज वो सबको समझ में आनी चाहिए और मेनली इट शुड बी मोर ऑफ द लुक्स, ज़्यादा ज़्यादा विजुअल्स हों जो लोगों को समझ में आए, जिसमें ज़्यादा लोगों को लैंग्वेज पर फोकस करने की ज़रूरत ही ना पड़े. तो वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लगी. और ऑब्वियसली नाउ इट इज़ ओनली 7 to 8 hours टू गो फॉर सलार टीजर, तो अब के टाइम पर जिस भी तरह से कुछ भी कहीं से भी हमारे को न्यूज़ देखने को मिलती है वो एक्चुअली दिमाग हिला देती है. दूसरी जो एक अपडेट सबसे इंपॉर्टेंट मुझे देखने को मिली, पता नहीं इससे पहले आप लोगों को पता था या नहीं पता था, लेकिन सलार विल बी कमिंग इन 2 parts. सलार पार्ट 1 आने जा रहा है कल जो टीजर आएगा वो सलार पार्ट 1 का आएगा, चैप्टर 1 कह लेंगे उसको या जो भी है. हो सकता है जैसे KGF की सीरीज को, फ्रेंचाइज को चैप्टर्स में बोला गया, वैसे ही सलार को भी चैप्टर्स में बोला जाएगा. सो सलार इज कमिंग इन 2 parts एंड एज आई सेड सिंगल लैंग्वेज टीजर या सिंगल टीजर. अब सिंगल टीजर से क्या फायदा, बेनिफिट क्या होता है, वो ये कि KGF चैप्टर 2 का अभी तक कोई रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाया, वो 68 million इन 24 hours का अभी तक कोई रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाया है. तो वो एक रीज़न जो है वो यही है कि एक ही लैंग्वेज एक ही जगह है और उसी एक जगह को बार बार लोग हिट कर रहे हैं, चाहे सर्वर क्रैश हो जाए लेकिन हिट उसी एक जगह पर हो रहा है. तो उससे अगर हम टाइम वाइज देखें तो बहुत टाइम बचता है, अगर क्योंकि एक बहुत हैवी वॉल्यूम में, बहुत बहुत हैवी वॉल्यूम में देखा जाएगा ये टीजर, तो वो एक कुछ सेकंड्स का भी जो टाइम है ना वो भी मैटर करता है. एंड दिस इज समथिंग, ये है कि इसीलिए अभी तक KGF का कोई रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाया था, ये थी चाबी. तो हो सकता है अब सलार जो है सलार ही KGF का रिकॉर्ड तोड़ेगी, यानी कि प्रशांत नील वर्सेस प्रशांत नील होने वाला है. और पहले के टाइम में सोचो जब KGF चैप्टर 2 आई थी तब भी क्रेज बहुत ज़्यादा था, इतना ज़्यादा था रॉकी भाई का, और अब तो और ट्रिपल हो चुका है. तो टुमारो मॉर्निंग आई थिंक सर्वर्स विल बी क्रैश्ड
और डोंट बी सरप्राइज कि अगर सुबह सुबह हो सकता है आपको देखने को ना मिले, मुझे एकदम से देखने को ना मिले, कोई टेक्निकल ग्लिच आ जाए, वैसे भगवान ना करे कोई टेक्निकल ग्लिच आए, लेकिन ये जो सर्वर क्रैश वाली चीज़ है ये हो सकती है, इसके पूरे पूरे चांसेस हैं। तो मैं कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी आपसे अपना रिएक्शन, अपना रिव्यू शेयर करने का। बहुत इंपॉर्टेंट दिन है कल का, और कल के सारे दिन हम लोग वी आर गोना कॉल इट सालार डे। लेट्स सी क्या होता है कल, हमको क्या देखने को मिलता है। इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है ना कि यार नींद ही नहीं आएगी ऐसा लगता है। तो आपको क्या लगता है, आपके क्या फीलिंग्स हैं, ये कुछ अपडेट्स जो हैं आपको कैसी लगी मुझसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। बाकी लाइक दिस वीडियो, थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब टू माय चैनल।